फिर से आप सभी का स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को अचानक राज्य कोऑपरेटिव बैंकों पर नोट बदलने को लेकर रोक लगा दी। आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर साफ कर दिया कि राज्य कोऑपरेटिव बैंक से पैसे तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये बैंक ना तो नोट बदल सकेंगे और ना जमा कर सकेंगे। इस सर्कुलर के बाद उत्तर प्रदेश राज्य कोऑपरेटिव बैंकों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी वजह बैंकों पर सियासी दलों का नियंत्रण है। ज्यादातर जिला सहकारी बैंकों के चेयरमैन सियासतदान हैं या उनके परिवार से जुड़े लोग हैं। खुद शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। शिवपाल यादव ने आरबीआई के इस फैसले के खिलाफ न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि आरबीआई को पत्र लिखकर इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। बिजनौर के जिला सहकारी बैंक के उप महाप्रबंधक सनवर खान ने कहा कि हमें आदेश मिला है कि हम 500 और 1000 के नोट नहीं बदल सकते और पुराने नोट जमा भी नहीं कर सकते। हमने अपनी सभी 46 शाखाओं में इस पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने रोक क्यों लगाई ये हमें नहीं पता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा कल नोट को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक पहुंची थी, जिसको लेकर आजम खान ने क्या कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आजम खान ने कहा कि मुझे पता होता कि पीएम की माताजी लाइन में लग रही हैं, तो मैं खुद आकर लग जाता, उन्हें लाइन में नहीं लगने देता। उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी वालों को अपना चेहरा काला कर लेना चाहिए ताकि वे दोबारा ना आए, घर से बाहर कदम ना रखे। मंगलवार को नरेंद्र मोदी की 97 वर्षीय माँ हीराबा करेंसी बदलवाने के लिए खुद चलकर गांधीनगर के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में पहुंची थी। उनके पास 5-5 सौ के 9 नोट थे। बैंक में उनका बाकायदा फॉर्म भराया गया था। हीराबा ने उस पर अंगूठा लगाया। उनके साथ छोटे बेटे और नरेंद्र मोदी के भाई पंकज भी थे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जब कोई नया परिवर्तन होता है और नया कानून लागू होता है तो परेशानी होती ही है, लेकिन जनता परेशानी उठाकर भी प्रधानमंत्री जी के साथ है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, परेशान तो वो लोग हो रहे हैं जिन्होंने आजादी के बाद से ही इस देश को लूटने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता नहीं, लेकिन मायावती जरूर सड़क पर आ गई हैं। उन्होंने कहा कि मायावती ने बढ़िया खजाना भरा था, वह उत्तर प्रदेश की कुबेर बन गई थी, लेकिन आज सचमुच दलित की बेटी हो गई है। नोटबंदी के असर का हवाला देते हुए उन्होंने कश्मीर का उदाहरण दिया। उनका कहना था कि कश्मीर घाटी में जहां 3-4 महीने से पत्थरबाजी हो रही थी, वह बंद हो गई। नौजवानों को पैसे देकर भड़का रहे थे, वह सभी अब शांत हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार वह जमानत पर आए थे। वाराणसी के विजिलेंस कोर्ट के विभाग ने मंगलवार को कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत खारिज करने की अर्जी दी थी। सुनवाई के बाद अदालत ने अर्जी स्वीकार करते हुए जमानत खारिज कर दी। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। राकेश धर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और भ्रष्टाचार का मुकदमा साल 2013 में इलाहाबाद के मुट्ठीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया था। इस मामले की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की गई थी। तो फिलहाल के लिए यूपी स्पेशल में बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद। चोट